और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। फोन टैपिंग के मामले में सीएम ओएसटी लोकेश शर्मा को हाईकोर्ट से राहत बरकरार है। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अगली जो रोक है अगले साल 7 फरवरी तक बढ़ी है। बड़ी राहत मिली है लोकेश शर्मा को। लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 7 फरवरी तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। जस्टिस विकास महाजन के छुट्टी पर रहने के चलते ये सुनवाई टाली गई है। पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा था। दिल्ली पुलिस ने फिर से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की सरकारी मशीनरी जांच में सहयोग नहीं कर रही। लोकेश शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस मामले को राजस्थान ट्रांसफर किया जाना चाहिए। फोन टैपिंग प्रकरण पर दिल्ली में मार्च 2021 में दर्ज करवाई थी FIR। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से FIR दर्ज करवाई गई थी। 2020 में राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसटी लोकेश शर्मा की ओर से एक ऑडियो क्लिप सामने लेकर आए थे वो, और उसके बाद में जिस तरह से ये तमाम सारी चीजें और डिफेमेशन के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन पर एक मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन आज क्योंकि सुनवाई होनी थी और सभी की निगाहें उस चीज पर बनी हुई थी कि क्या राहत मिलती है लोकेश शर्मा को, क्योंकि राहत जो मिल रही थी वो बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन अब बड़ी खबर, 7 फरवरी तक सुनवाई चली है। सुमित मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, सुबह से सभी की निगाहें इस प्रकरण को लेकर इसी पर बात पर बनी हुई थी कि लोकेश शर्मा की जो राहत है वो बरकरार रहेगी या नहीं। गिरफ्तारी से राहत बरकरार रही है 7 फरवरी तक, क्या जानकारी पूरी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी थी लोकेश शर्मा की याचिका पर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस विकास महाजन, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो छुट्टी पर हैं, जिसके चलते सुनवाई टल गई है। लेकिन सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस के लिए झटका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार मांग कर रही थी कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो और जो गिरफ्तारी पर जो रोक लगी है उसे हटा दिया जाए। लेकिन एक लंबी सुनवाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने टाल दी है। अगले साल 7 फरवरी के लिए सुनवाई टल गई है, यानी कि तब तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकेगी। ये एक तरह से दिल्ली पुलिस के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं वो हाईकोर्ट से लगातार गुहार लगा रहे थे कि लोकेश शर्मा की जो गिरफ्तारी है उस पर रोक हटनी चाहिए, ताकि इस मामले में जो जांच है वो आगे नहीं हो पा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले में अंतिम सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जस्टिस विकास महाजन छुट्टी पर थे, जिसके चलते लंबी सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट ने टाल दी है अगले साल 7 फरवरी के लिए। तो अगले साल 7 फरवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। तब तक लोकेश शर्मा की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी इस पूरे मामले में, यानी कि जो जांच जस के तस जो बनी हुई है उसी तरह से जांच जो है वो बनी रहेगी। और उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करने के बाद ये तय करेगा कि क्या इस मामले में लोकेश शर्मा को आगे भी राहत बरकरार रहेगी या फिर नहीं। लेकिन सुमित, एक सवाल ये भी था, क्योंकि लोकेश शर्मा कह रहे थे कि 4 बार तो क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, सवाल जवाब उनसे हुए, अब उस केस को राजस्थान ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस वजह से जो आना जाना है वो तो समय बचेगा। लेकिन साथ ही राज्य सरकार पर जो आरोप है कि राज्य सरकार की मशीनरी जांच नहीं कर रही, उससे भी एक तरीके से निजात मिल पाएगी इस चीज के जरिए, उसको लेकर कुछ आगे कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? कि पिछली सुनवाई में इस बात पर जो है जोर दिया गया था, यहाँ तक कि लोकेश शर्मा ने कहा था कि वो लगातार दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस का कहना था कि राजस्थान सरकार है वो इस मामले में दखल दे रही है और पूरी जो स्टेट की जो ठीक है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने।